पंजाब में ऐसा हाल क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की सरकारों ने पंजाब को लूट के खा लिया, पंजाब ख़त्म कर दिया, नशे में पंजाब को डाल दिया, नौजवान पीढ़ी को तबाह कर दिया, रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ की जनता त्रस्त थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवंत मान जी को दी गई है और इसको पूरा करना अब उनका लक्ष्य होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं जसविंदर सिंह मलसिया, जो कि अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है, लेकिन जसविंदर जी, ऐसा तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था कि इतनी बम्पर जीत होगी। जो पीछे भी कयास जो लगाए जा रहे थे, जितने भी ओपिनियन पोल्स आए थे, उसके अंदर ये तो ज़रूर कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे नंबर वन पर वही रहेगी। मेजोरिटी पूरी मिलती है नहीं मिलती है उसके ऊपर पूरा क्लियर नहीं था कुछ भी, लेकिन आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, 92 सीट्स आम आदमी पार्टी की पंजाब में आना, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बम्पर जीत जो हुई है वो पंजाब के आम लोगों की वजह से हुई है। आपको याद होगा डिम्पल जी के जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे तब एग्जिट पोल ने इतनी बम्पर जीत आम आदमी की नहीं दिखाई थी जितनी सीटें आ गई थी दिल्ली में भी। वही हाल पंजाब में हुआ। अब पंजाब में ऐसा हाल क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की सरकारों ने पंजाब को लूट के खा लिया, पंजाब ख़त्म कर दिया, नशे में पंजाब को डाल दिया, नौजवान पीढ़ी को तबाह कर दिया, रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ की जनता त्रस्त थी, तो उनको तीसरा विकल्प नज़र नहीं आ रहा था। या कांग्रेस आती थी या अकाली आते थे, या अकाली भाजपा के साथ पहले गठबंधन था, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं है अकालियों का, तो उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। जब उनको तीसरा विकल्प नज़र आया तो उन्होंने कहा एक मौका इनको भी देके देखें, क्या पता ये एक अजीब काम कर जाएं, एक अनोखा काम कर जाएं जो पंजाब का भला हो जाए, जो आज तक नहीं हुआ। पिछले 70-75 साल पंजाब जल रहा है, पंजाब डूब रहा है, पंजाब एक सबसे होनहार और उपजाऊ स्टेट होती थी। अब जहाँ उपजाऊ, जहाँ लस्सी दही बहता था, वहाँ आज नशा बह रहा है, चिट्टा जिसको बोलते हैं चिट्टा बह रहा है। फिल्म भी आई थी उड़ता पंजाब भी बनी थी एक फिल्म, उसके अंदर दिखाया गया था, मगर वो कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा है पंजाब का हाल। मैं इसी सवाल पर आने वाली थी, क्योंकि इस चीज़ को पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने भुनाने की भी कोशिश की, लगातार उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के अंदर इस चीज़ को उठाया कि उड़ता पंजाब, उड़ता पंजाब, और अब पंजाब को हम उड़ने नहीं देंगे, पंजाब को हम विकास की ओर लेकर जाएंगे। और अब 92 सीटों के साथ बम्पर जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, कितनी उम्मीदें हैं, क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कमाल कर पाएगी आपके हिसाब से? देखिए, आम आदमी पार्टी को कमाल करना चाहिए, सबसे पहले काम जो उन्होंने वादे किए जनता से, उसको 16 तारीख जो शपथ समारोह हो रहा है, और मैं इस बात की बहुत बधाई दूंगा केजरीवाल को और भगवंत मान को, भगवंत सिंह मान कहूंगा, भगवंत मान न लगाएं क्योंकि अब वो पंजाब का मुख्यमंत्री है तो सिंह लगाना जरूरी है। मैं भगवंत सिंह मान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने पहला ऐसा मुख्यमंत्री की शपथ हो रही है जो भगत सिंह के पैतृक गांव में हो रही है। इसके लिए मैं अपने हार्दिक तहे दिल से उसको मुबारकबाद देता हूं, भगवंत सिंह मान को और केजरीवाल को। दूसरी बात, उनको जितने भी उन्होंने वादे किए हैं वो वादे बिल्कुल पूरे होने चाहिए। नशा मुक्त पंजाब होना चाहिए, बेरोज़गारी हटनी चाहिए, बुज़ुर्गों को फ्री मेडिकल एजुकेशन मिलनी चाहिए, और साथ के साथ मैं यह भी कहूँगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है भगवंत सिंह मान के लिए और केजरीवाल के लिए, कि जो हारे हुए MLA हैं, जो हारे हुए मिनिस्टर हैं, उनके आवास खाली कराए जाएं, उनको गनमैन हटाए जाएं, क्योंकि ये जो गनमैन, ये जो सिक्योरिटियाँ मिलती हैं, जनता की गाड़ी कमाई से मिलती हैं, जो हम टैक्स देते हैं, पंजाब के निवासी पंजाब को टैक्स देते हैं, उसमें से ये सिक्योरिटी वालों को पैसे दिए जाते हैं, वो फौरी तौर पर सुरक्षा वापस ली जाए। सुरक्षा देने का अब कोई मतलब नहीं है, पहले तो उन्होंने लूट का बाजार गर्म किया, आप सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, काहे की एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है कि हमारे साथ दो गनमैन चल रहे हैं, हम एक दरवाज़ा खोलेगा एक आगे बैठेगा, तो बिल्कुल विड्रॉ करने चाहिए। और ये कोई फौजी रिटायर्ड नहीं है, ये लोग MLA जो ex-MLA फौजी रिटायर्ड नहीं है, ये एक जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो जनता ने नकार दिया, जब जनता ने नकार दिया तो सिक्योरिटी किस बात की?
सिक्योरिटी बिल्कुल हटानी चाहिए। जसिंदा जी, एक सवाल और बनता है, क्योंकि जैसे ही भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे ही चल रहे थे और अब मुख्यमंत्री की शपथ भी वो लेने वाले हैं, जैसे ही उनका नाम आगे आया था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति भी साथ साथ ट्रेंड करने लग गए थे पूरे सोशल मीडिया के अंदर। कारण ये था कि वो भी एक कॉमेडियन थे और भगवंत सिंह मान भी अपने आप में एक कॉमेडियन रहे हैं, स्टैंडिंग कॉमेडी वो करते थे। आप क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर, एक कॉमेडियन कैसे मुख्यमंत्री का जो पूरा पद है संभालेगा और पंजाब की जो पूरी नींव है एक बार फिर बदली जाएगी और पंजाब को आगे कैसे विकास की ओर कैसे लेके जाएगा? देखें, कॉमेडियन मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जेलेंस्की एक यूक्रेन का राष्ट्रपति है, वो भी बना, कुछ भी हो सकता है, किस्मत है। किस्मत किसी को भी ताज और तख्त मिलता रहता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको याद दिला दूं, जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो तब राजीव गांधी जी के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उस टाइम राजीव गांधी के पास तब मात्र उनकी उम्र 43 साल थी जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो उन्होंने भी बहुत खूबी से सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई। तो मैं ये भी कहूँगा, ये भी अच्छी सरकार चलाएंगे, इनके भी अंदर गुण होंगे जो भगवान ने, वाहिगुरु परमात्मा ने इनको इतनी बड़ी बख्शिश दी है, एक सूबे का मुख्यमंत्री। और ऐसा सूबा जहाँ पाँच दरियाओं की धरती है, पंजाब बनता है, पाँच दरिया जहाँ बहते हैं, और वहाँ तो खुशहाली है, खेती में नंबर वन है पूरे इंडिया में, पंजाब आई थिंक पूरे वर्ल्ड में भी वन होगा शायद। तो अच्छे से सरकार चलाएंगे मुझे उम्मीद है, और केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किया उसका भी अनुभव लेंगे भगवंत सिंह मान। तो सक्सेना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। सर, बम्पर जीत की तो उम्मीद नहीं की थी, ये तो माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी नंबर वन रहेगी, लेकिन बम्पर जीत होगी बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि आज तक पंजाब की अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि उसके अंदर मेजोरिटी के साथ एक सरकार आई हो। हमेशा संबंध बनाने पड़े हैं, गठबंधन करने पड़े हैं, उसके बाद ही जाके सरकार बनी है। क्या कैसे देख रहे हैं आप पंजाब के भविष्य को? अब आप इस संबंध में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भगवंत मान जी को दी गई है और इसको पूरा करना अब उनका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, आज सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है और उसका नुकसान आम जनता को मिल रहा है। बड़े बड़ी इंडस्ट्री बन गई हैं, बड़े बड़े बाज़ार बन गए हैं, जो छोटा आदमी पिसता जा रहा है और उसका फ्यूचर एकदम खतरे में आ गया है। और इसको देखते हुए अगर ये इसको रूट बेस पे इसको काम नहीं किया गया तो आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है इस देश का। पंजाब को अब किस चीज़ की ऐसी ज़रूरत थी जो आम आदमी पार्टी को चुना और बीजेपी पार्टी तो बिल्कुल ना के बराबर रह गई, सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें मिली जो कभी ना कभी सरकारें बनाया करती थी, आज वो बिल्कुल बैकफुट पर आकर खड़ी हो गई है। क्या कारण रहा होगा आपके हिसाब से? यही पब्लिक को नकारना सबसे बड़ा कारण है। जहाँ पब्लिक को नकारा गया है, चाहे वो शीला दीक्षित जी की सरकार रही हो, क्योंकि जब टमाटर प्याज के रेट बढ़े थे उसी टाइम ही शीला दीक्षित जी की सरकार गिरी थी, आपको याद होगा। तो यही पब्लिक का जो उसका विरोध करना या उसका नीतियों को या उसकी भावनाओं को ना समझना, यह सबसे बड़ा कारण होता है। यही गलती इन लोगों से भी हुई है। अगर ये टाइम से इसको समझ लेते और इनके ऊपर काम करते तो शायद ऐसा हाल अशक ना होता। तो अभी क्योंकि आप लोग सभी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पूरा बवाल मचा हुआ है, यूक्रेन और रशिया के बीच में घमासान युद्ध भी चल रहा है, तो एक एक स्टेटमेंट इस चीज़ पर भी हम ले लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश आपस में झुकने का नाम नहीं ले रहे, जबकि यूक्रेन को देखें तो एक मुट्ठी भर का देश है और रशिया अपने आप में इतना बड़ा देश है। क्या पहली बात तो ये हमला होना बहुत ज़रूरी था, और अगर किया भी तो अभी आपस में कोई झुकने का नाम नहीं ले रहा है, कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी क्षति है और क्या ये वॉर होनी ज़रूरी थी आपके हिसाब से? देखिए, हमला होना ज़रूरी नहीं था, हमले से बचा जा सकता था, मगर रूस की, रशिया की एक अपनी पावर अपने आप को साबित करना चाहता है पूरे वर्ल्ड में कि मैं एक सुप्रीम पावर हूँ, तो उस कारण उसने यूक्रेन पे हमला किया। लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि नाटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन और रूस नहीं चाहता था कि ये नाटो में शामिल हो, तो क्योंकि नाटो में शामिल होने से वो समझा था तो रूस के मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, मेरे पे हमला हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, नाटो एक पूरे 30 देशों का एक नाटो है, तो ऐसा हमला, अब हमला हुआ, हमले में उधर के भी लोग मर रहे हैं, इधर के भी मर रहे हैं, और पूरी सिर्फ 2 देशों का झगड़ा हो रहा है और पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है महंगाई का, पूरी दुनिया महंगाई की मार को झेल रही है, और ये झगड़ा रोका जा सकता था। मैं तो व्लादिमीर पुतिन से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस लड़ाई को फौरी तौर पर बंद करें, और जितना नुकसान हो चुका है कीव में, खारकीव में और अन्य शहर हैं,
मार पुलिस में, उसमें जो भी नुकसान हुए, बहुत तबाही हो रही है, बंदे मर रहे हैं। अभी पहले टीवी में देखा था, गड्ढे खोदे गए हैं वहाँ पे 20-20 फुट के, और लाशें ऐसे फेंक रहे हैं उसके अंदर, पॉलीथीन में भर के लाशें फेंकी जा रही हैं, ऐसे दफनाया जा रहा है, चाहे इधर के हैं या उधर के लोग हैं। तो बहुत ही निंदनीय काम है, झगड़ा फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी मांग करूँगा कि भारत सरकार अपनी मध्यस्थता करे, कुछ सेंटर का रोल प्ले करे और ये लड़ाई रोके। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉर इस वक्त चल रही है वो शांत होगी और दोनों ही देश आपस में प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, अमन के साथ आगे बढ़ेंगे और ये युद्ध को विराम मिलेगा। ऐसी तमाम अपडेट हम आपके लेकर आते रहेंगे, बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।